तो दोस्तों कल है 11 नवंबर 2019 और आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, कल आप लोगों का एग्जाम है एनपीसीआईएल काकरपारा गुजरात साइट का। तो जिन स्टूडेंट्स का कल एनपीसीआईएल का एग्जाम है मैं उनको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, काफी अच्छा स्कोर करके आइएगा। डेफिनेटली आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं कि एग्जाम पेपर को किस प्रकार आप लोगों को हल करना है। थोड़ा सा एग्जाम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर करना चाहूंगा मैं यहां पर बात करूंगा आईटी स्टूडेंट्स की, यानी कि स्टिपेंडरी ट्रेनी आप लोगों का टेक्नीशियन का जो पोस्ट है एनपीसीआईएल में उसकी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी तक ये डाउट है कि सर हमारे दो एग्जाम होने हैं और इन दोनों एग्जाम का क्या महत्व है, दोनों एग्जाम आपके एक ही दिन होंगे, आप लोगों को यह चीज क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होगी, देन उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, इन दोनों परीक्षाओं में आप लोगों को कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस परीक्षा का क्या रोल आपके सिलेक्शन में रहने वाला है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा जो आप लोगों की ली जा रही है वो एक आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में ली जा रही है, यानी कि वहां से स्टूडेंट्स को छटनी किया जाएगा एडवांस परीक्षा के लिए। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, तो क्या सर यदि हमारा प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, यानी कि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमको सेकंड यानी कि एडवांस परीक्षा देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं क्लियर करना चाहूंगा ऑल स्टूडेंट्स को प्रारंभिक परीक्षा एवं एडवांस परीक्षा दोनों देने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जब आप लोगों की आंसर की चेक की जाती है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की जाती है प्रारंभिक परीक्षा की। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते हो, यानी कि 40% मार्क्स आप लेकर आते हो प्रारंभिक परीक्षा में यूआर कैटेगरी के लिए, यदि आप ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप 30% मार्क प्रारंभिक परीक्षा में लेकर आते हो, तो ही आपकी एडवांस परीक्षा की आंसर की को चेक किया जाता है, अन्यथा प्रारंभिक परीक्षा से ही बाहर हो जाते हो। तो क्लियर हुआ, आपको परीक्षाएं दोनों देने को मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करते हो तभी आपका एडवांस परीक्षा देने का कोई मतलब है। क्लियर हुआ। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों का दोस्तों क्या रहने वाला है, आप लोगों के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 1 यानी कि 60 मिनट का टाइम मिलेगा, एक घंटे के समय में 50 क्वेश्चन को हल करना है। मैथमेटिक्स साइंस एवं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको ओनली क्वालिफाई होना है। यदि आप क्वालिफाई हो जाते हो इसका मेरिट से कोई तात्पर्य नहीं है। सेकंड परीक्षा की बात करें एडवांस टेस्ट की, तो यह है आप लोगों के लिए मेन परीक्षा। अब यहां पर क्या कंटेंट रहने वाला है, देखिए यहां पर जो एडवांस परीक्षा है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन कराएगी, यही मेरिट, यही से इसके स्कोर से आप लोगों की मेरिट बनेगी। अब जो एडवांस परीक्षा है उसमें क्या कुछ रहने वाला है, समय की यदि बात करें टाइम ड्यूरेशन आप लोगों का रहेगा 2 घंटे का, 2 घंटे के समय में आप लोगों को 50 क्वेश्चन हल करने हैं। बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, टाइम बहुत ज्यादा है, 2 घंटे में 50 क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं और वो भी टेक्निकल क्वेश्चन, आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो यदि आप लोगों का टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है और नॉन टेक्निकल यदि आपको थोड़ा बहुत सही है, यानी कि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हो और एडवांस परीक्षा में अच्छा स्कोर लेकर आते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यह चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी मैंने एक डिटेल्स वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया है कि क्या कुछ वहां पर रहेगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए, आईटी स्टूडेंट्स के लिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए, ऑल ट्रेड का मैंने डिस्कस किया है कि क्या कुछ रहेगा, किस प्रकार आप लोगों को तैयारी करनी थी, तो वो सारा उसमें आप लोगों को सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है। इसलिए इस वीडियो में ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, इस वीडियो का पर्पस है ओनली आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा जाए और जल्दी से एग्जाम दे के कल मुझे बताइएगा आप लोगों का कैसा एग्जाम गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हो और टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, DRDO, ISRO, DMRC, BHEL, SAIL, GAIL, तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.specialtechnoonlinecoaching.com। यहां पर ऑल टेक्निकल एग्जाम की कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे।